Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ. This is Christmas month. और ये क्रिसमस का महीना है. And this particularly is Christmas week. और ये खास रीति से क्रिसमस का एक हफ्ता है. Every year we celebrate the birth of Jesus Christ, who was born Savior of the world. और हर साल हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं, जिसकी जन्म हुआ इस संसार के उद्धारकर्ता के रूप में. So I just want to pass on to you a thought for Christmas. इस क्रिसमस के लिए एक विचार को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ. It has to do with the uniqueness of Jesus. और ये बात करता है इस संदर्भ में कि कैसे यीशु सब में भिन्न था. And his birth was in an ordinary way, like any of us. और उसका जन्म भी एक साधारण रीति से हुआ, जैसे हम में से किसी का हुआ हो. But लेकिन Mary, his mother, conceived him in an extraordinary way. लेकिन मरियम ने उसको जो अपने गर्भ में धारण किया, वो एक अद्भुत रीति से किया था. Not by the will of man. मनुष्य की इच्छा से नहीं. Nor by any human effort. और ना ही किसी मनुष्य के प्रयत्न से. The coming of Jesus into the world was planned by God himself. और प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में खुद परमेश्वर पिता ने योजना बनाया था. And it was planned in the eternity past before there was any creation work done. और ये इसकी योजना परमेश्वर ने अनंत में ही बना ली थी, इससे पहले कि वो किसी भी बात को रचता या बनाता. And Jesus Christ existed before the world ever began. और यीशु मसीह तो इस संसार के होने से पहले से था. He was equal to God. और वो परमेश्वर पिता के बराबर. And he also is part of that triune God who created the universe. और वो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया. The first Christmas service was celebrated 2000 years ago. और पहला क्रिसमस सभा जो है आज से 2000 साल पहले मनाया गया था. The day Jesus was born actually. और जिस दिन यीशु का जन्म वास्तविक रूप में हुआ. It was not in a church building. और ये कलीसियाई रूप से किसी इमारत के भीतर नहीं. Or in a synagogue or even in the temple in Jerusalem. और ना ही किसी आराधनालय में, ना ही किसी यरूशलेम नगर के मंदिर में. It took place on the Judean hills. और इसका जन्म तो इस सारी बातें उस यहूदा नगर की चोटी पर हुआ. And the meeting places were not lighted by candles or lamps as we do today. और उस मिलने के स्थान को ना ही मोमबत्तियों से, ना ही किसी और दूसरी प्रकार की ज्योतियों से रोशन किया गया. The stars and the glory of God lighted the scene. और उन तारों ने और परमेश्वर की महिमा ने पूरे उस जगह को रोशनी से भर दिया. And the congregation was not composed of the rich, the famous and the favored one. और याद रखिए, उनके सभा के बीच में ऐसे लोग नहीं थे जो बड़े धन में समृद्धि रखने वाले और बहुत प्रसिद्ध हों. It was a handful of lowly shepherd made up the assembly. और ये तो कुछ चुने गए छोटे से चरवाहे थे, जिन्होंने एक छोटे से समूह को बनाया. One of the lowest people. और समाज में सबसे नीचा दर्जा मिल रखने वाले. Servants kind of people. और दास या नौकर तरीके के लोग. The choir was a heavenly choir. और वो आराधना का समूह स्वर्गीय आराधना का समूह था. Since that first Christmas. और उस पहले क्रिसमस समारोह के बाद. For the last 2000 years, Christ is celebrated year after year. पिछले 2000 सालों से लेकर अभी तक प्रभु यीशु मसीह को बार बार उसके जन्म को मनाया जाता है. And the joy and the great enthusiasm as we celebrate this Christmas time is really remarkable. और वो आनंद और वो शक्ति और उत्साह जिस तरीके से हम इसे करते हैं, ये सच में अचंभा कर देने वाला है. Birthday celebration
covering the entire planet earth. और वो जन्म का समारोह मनाना जो पूरे इस ब्रह्मांड और पृथ्वी को घेरे हुए है. Herein lies one of the uniquenesses of Jesus Christ. और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की एक भिन्नता को देखते हैं. There is no other personality ever born on the face of the earth. और ऐसी कोई दूसरा व्यक्तित्व इस पृथ्वी के में पैदा ही नहीं हुआ. Whose birth is celebrated year after year for last 2000 years universally. और जिसका जन्म 2000 साल पहले से लेकर अभी तक मनाया जा रहा है एक वैश्विक रूप से. The entire planet Earth rejoices. और पूरा पृथ्वी इस बात का आनंद मनाता है. Singing those beautiful Christmas hymns and choruses and songs. और गाते हुए उन अद्भुत और सुंदर गीतों को जो क्रिसमस के विषय में हैं. The question to be asked is why did Jesus come from heaven to the earth? और सवाल ये पूछना है कि क्यों यीशु मसीह उस स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आ गया? And the answer to that question is found in his name. और इस सवाल का उत्तर उसके नाम में पाया जाता है. The angel of the Lord, the angel Gabriel who appeared to Mary. और वो गैब्रियल स्वर्गदूत जो मरियम के सम्मुख प्रस्तुत हुआ. Who was chosen by God to be the mother of Christ. और जिसे परमेश्वर ने नियुक्त और चुना कि वो परमेश्वर या यीशु की मां ठहरेगी. Told her that she shall name the baby Christ Jesus. और उसने स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम से कहा कि तू इस बच्चे का नाम यीशु मसीहा रखना. And the reason was that he shall save humanity from their sin. और ये कारण ये था ताकि वो मानवता को उसके पापों से बचा सके. That's why Jesus came. और इसीलिए यीशु आया. Something that no other being could ever accomplish. कुछ ऐसी बात की जो दूसरा कोई भी व्यक्तित्व कभी पूरा नहीं कर सकता था. The salvation involving the entire human race. और वो धार जो पूरी मानवता को अपने संग लिए हुए था. So Jesus came to save sinners from the greatest curse on the human race. और इसलिए यीशु आया कि वो पापियों को उनके पापों से और वो सबसे महान श्राप से जो कि पाप खुद है उससे बचा सके. Here is a suffering God. और यहाँ पर हम एक ऐसे दुख उठाने वाले परमेश्वर को देखते हैं. God created man. और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. And with one great purpose and reason. और एक महान उद्देश्य और कारण के साथ. That this man and his descendants. कि ये मनुष्य और इसकी आने वाली पीढ़ियाँ. Shall ever be with this God. Ruling with him and enjoying life in all its fullness. ये इसके संग राज्य करे और जीवन का पूरा आनंद उठाए उसकी पूरी बहुतायत में. But sin had alienated man from God. लेकिन पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया. Since man was created actually to live forever with God. क्योंकि मनुष्य की रचना परमेश्वर ने इसलिए की कि वो अनंत तक परमेश्वर के संग रहे. And with God in fellowship and worship of God in holiness. कि वो परमेश्वर के संग उस सहभागिता में और पवित्रता में बना रहे. And this alienation of man by sin. और मनुष्य का पाप से परमेश्वर के पाप के द्वारा अलग किया जाना. Brought all other curses upon humanity. वो और प्रकार के दूसरे प्रकार के श्रापों को मनुष्य के ऊपर ले आया. That's how we all are victims of the curse of sin. और इसी कारणवश हम सब उस पाप के श्राप के शोषण में हैं. And a depraved man of authority and rulership over other creations under God. और वो एक ऐसा मनुष्य जो सबसे ऊंची रचना लेकिन पाप के द्वारा परमेश्वर से दूर कर दिया गया
और सबसे नीचा ठहरा दिया गया। What was God's plan for man? लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या थी? Live forever with God. कि वो परमेश्वर के संग अनंत तक जिए। Rule with him with authority over other creation. और पूरे अधिकार के संग परमेश्वर के साथ दूसरी जीव जंतु और वस्तुओं पर उसके संग राज्य करे। The true meaning of Christmas is love. और जो सच्चा अर्थ है क्रिसमस का, उसका मतलब है प्रेम। And the true message of Christmas is found in the Gospel according to St. John chapter 3 verses 16 and 17. और इस क्रिसमस के प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का सच्चा अर्थ हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय 16वें वचन में दिखता है। This is what we read. और इस बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। For God so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। That he gave his one and only son. कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। That whoever believes in him should not perish, ताकि जो have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। That is the reason why Jesus Christ came. और यही वो कारण था कि यीशु आया। And that was the one focus of Jesus from day one of his life here on earth. और यही उद्देश्य था, यही लक्ष्य था प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर उसके जीवन के पहले दिन से। His eyes were set on reaching Jerusalem from Bethlehem's manger. और उसकी आंखें टिकी हुई थी इस ओर कि कैसे वो यरूशलेम की ओर पहुंचेगा, बैतलहम नगर के उस चरनी से। And therefore, what is the real story of Christmas? और इसलिए इस क्रिसमस की सच्ची कहानी क्या है? The real story of Christmas is the story of God becoming a human being in the person of Jesus Christ. और सच्ची कहानी तो ये है कि परमेश्वर खुद देहधारी होकर यीशु के रूप में हमारे बीच में रहा। To what extent God has loved us? और कितने रीति से या किस रीति तक परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? And after 33 and a half years. और 33.5 साल के पश्चात His journey has brought to Jerusalem and the place of execution. उसकी यात्रा उसे उस यरूशलेम की नगर की ओर ले आई और उस स्थान पर जहां उसे उस क्रूस पर चढ़ाया जाता। And there on Calvary, Golgotha. और वहां उस कालवरी क्रूस गोलगोथा पर He spread his arms and his body to be nailed to the cross. उसने अपने हाथों को खोलकर दे दिया कि उस हाथों पर ठोका जाए कीलों के द्वारा उस क्रूस पर। Body was broken. वो शरीर तोड़ा गया। Blood was shed. और लहू बहाया गया। He shed his blood to cleanse us from our sin. उसने लहू बहाया ताकि वो अपने उस बहाए गए लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर सके। And from everything that makes us unclean in the sight of God. और हर एक ऐसी बात जो हमें परमेश्वर की नजरों में अशुद्ध बनाती है। And this uncleanness is caused not by the things that goes inside us through the mouth. और ये बातें जो अशुद्ध बनाती हैं, ये वो वस्तुएं नहीं जो मुख से या मुंह से हमारे भीतर जाती हैं। It was caused by what comes out of the heart of man. लेकिन ये अशुद्धता तो ऐसे आती है जो हमारे हृदय से बाहर निकलती है। And out of man's mouth comes forth everything unholy and unclean. और मानव के मुख से ही हर बात जो अशुद्ध है और दयनीय है और गलत है वो निकलती है। And everything that makes wicked and unrighteous and sinners in the sight of God. जो और हर एक ये बात हमें परमेश्वर की नजरों में दोषी ठहराती है, दुष्ट दर्शाती है और पापी दिखाती है। And it was to cleanse us from all these that makes us unclean when God looks upon us that Jesus Christ came and died on the cross. और इन्हीं सारी बातों से जो हमें अशुद्ध बनाती हैं
परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे सम्मुख आया। He shed his blood to cleanse us. उसने अपने लहू को बहाया कि हमें शुद्ध कर सके। Because God cannot look upon sin and uncleanness. क्योंकि परमेश्वर तो पाप को नहीं देख सकता या शुद्धता को नहीं देख सकता। He can only look and have fellowship and accept anyone who has been made clean by the blood of Jesus. लेकिन वो तो सिर्फ एक ही को ग्रहण कर सकता है जिन्हों प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए। But he rose again from the dead. लेकिन वो मरे हुओं में से जी उठा। For our justification. क्योंकि ताकि हम दोषी ना ठहराए जाएं। And the word justification conveys the idea that those who believe and trust in Jesus Christ for their salvation. और इस दोषी ना ठहराए जाने का मतलब ये है कि वे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धार या मोक्ष के लिए भरोसा रखते हैं। And acknowledge the death of Christ through crucifixion. And by shedding his blood on the cross. और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को मानते हैं जो उसने उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया। They shall be cleansed and made clean so that God the Father could accept us. तब ऐसे लोग शुद्ध किए जाएंगे और बचा लिए जाएंगे ताकि परमेश्वर पिता उन्हें ग्रहण करने पाए। And when he looks on us, और जब वो हमारी ओर देखता है, he sees us as cleansed and washed by the blood of his beloved son Jesus Christ. तब वो देखता है कि कैसे हम शुद्ध किए गए हैं और कैसे उसके पुत्र के लहू के द्वारा हमें साफ किया गया। And when he looks at us through the blood of his son Jesus, और जब परमेश्वर पिता उसके पुत्र के लहू के द्वारा हमें देखता है, he does not see any uncleanness or wickedness or anything that would alienate man from God. तब वो किसी भी प्रकार की अशुद्धता को, दुष्टता को या पाप को हमारे भीतर नहीं देखता जो हमें परमेश्वर से दूर करे। Why did God do such a thing? और क्यों परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया? Because he loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। He loved us. वो हमसे प्रेम करता था। So he sent Jesus, the second person in the Holy Trinity, for our sake. तो उसने यीशु को भेजा जो त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्तित्व है। Why was Christmas needed? और क्यों ये क्रिसमस जरूरी है? Because we needed a savior. क्योंकि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। Therefore it's a Christmas. और इसलिए ये क्रिसमस है। Because of Christmas. और इस क्रिसमस की वजह से। And so remember my friend. और इसलिए याद रखिए मेरे मित्रों। Christmas is not decorating the church, putting a colored bulbs and colored decorations. और क्रिसमस इस विषय में नहीं है कि आप चर्च या कलीसिया को सजाएं और वहां घंटियां टांगें या पेड़ लगाएं। क्रिसमस इज नॉट मेकिंग केक। और क्रिसमस इस विषय में भी नहीं है कि आपको केक बनाना है। एंड सांता क्लॉस एंड क्रिसमस ट्रीज हैव नथिंग टू डू विद क्राइस्ट। और ये सांता क्लॉस या ये क्रिसमस ट्रीज का कोई लेना देना क्रिसमस से नहीं है। These are all adopted. और ये तो सारी बातें जो हैं गोद ली गई हैं। From heathenism. जिन्हें हमने गैर विश्वासी जो प्रवृत्तियां थी या संस्कृतियां थी उनसे लिया। To make the celebration appear to be a real festival. ताकि हम उस उत्साह या पर्व को सच में एक उत्साह पर्व के रूप में दिखा सके। God never intended to be a mere festival. और परमेश्वर सिर्फ इसे एक उत्साह या पर्व के रूप में नहीं चाहता था। You can celebrate Christmas by allowing this Christ of Christmas to be born in your own heart and life and change you. और आप इस क्रिसमस को अपने मना सकते हैं उस प्रभु यीशु मसीहा को एक मौका देकर कि वो आपके हृदयों में अपना जन्म ले। So it's all about Christ. तो ये सिर्फ उस यीशु के विषय में। Christmas is Christ. और इसलिए क्रिसमस सिर्फ यीशु के विषय में। Christmas is Christ the Lord of glory. और क्रिसमस है परमेश्वर महिमा के परमेश्वर के विषय में। Christmas is God coming down to be a sacrifice
for our sin. और क्रिसमस है कैसे परमेश्वर स्वर्ग से हमारे खातिर नीचे उतर आए. So what is the best way to celebrate Christmas? और सबसे अच्छा तरीका क्रिसमस मनाने का क्या है? Without all other things. और दूसरी बातों को ना देखते हुए. The most meaningful celebration of Christmas is when a sinner who is alienated from God is brought to a relationship with the Lord Jesus Christ. सबसे अच्छा महत्व या अर्थ ये होगा कि एक पापी जो परमेश्वर से दूर कर दिया गया था वो परमेश्वर के निकट लाया जाए. His heart becomes a manger. और उसका हृदय एक चरनी बन जाए. Let Christ be born in your heart today. और प्रभु होने दे आज के दिन यीशु आपके हृदयों में जन्म ले. Let this Christ rule over you. और होने दे ये यीशु आपके ऊपर राज्य करे. He is the King of all kings. और वो राजाओं का राजा है. And Lord of all lords. और प्रभुओं का प्रभु. Hallelujah. Hallelujah. One of these days, और इन दिनों में से किसी एक going to come back. और वो दोबारा आ जाएगा. Because after rising again from the dead, he went back to God from where he came. क्योंकि उन मरे हुओं में से जी उठने के बाद वो फिर से स्वर्ग चला गया ताकि दोबारा हमारे लिए आए. So get ready. और इसलिए तैयार हो जाएं. Look forward to the day you shall see him face to face. और उस दिन का इंतजार करें आशा के साथ जब आप उसे आमने सामने देखेंगे. He is coming soon. और वो जल्द आ रहा है. Hallelujah. Hallelujah. This is Christmas. और ये क्रिसमस है. Christ. Christ of Bethlehem and Christ of the cross. और इसलिए वो मसीह जो बैतलहम नगर का और क्रूस का मसीह है वो जरूरी है. You cannot separate the cross from Bethlehem. और इसलिए आप उस क्रूस को बैतलहम से अलग नहीं कर सकते. So may this be your encouragement today. और होने दे आज के दिन ये आपका प्रोत्साहन होने पर. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. Lord, we need the Holy Spirit. परमेश्वर हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. Only the Holy Spirit can open our inner eyes so that we may see Jesus Christ as our Lord and Savior. सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारे भीतरी कानों और मन को खोल सकता है कि हम यीशु को देखने और सुनने पाएं. We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. Hallelujah. Hallelujah. Bless everyone who listen to this. हर एक को आशीष दे जो सुनते हैं. And let them in reality and truly celebrate Christ by having Christ coming into the Israel. और होने दे सच में वो तेरे आगमन को अपने जीवनों में मनाने पाए. Amen. Amen.